मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। ये देखिए, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गुलदाउदी के फूल आप कैसे बड़े ले सकते हैं, और उनको बचाने के लिए देखिए मैंने ऊपर की स्टेम ये काट दी थी। तो देखिए जो फ्लावरिंग हुई थी जिसमें, इसकी स्टेम मैंने काट दी थी, तो देखिए ये अब फिर से ग्रीन हो गई है। नीचे से भी देखिए बडिंग आ रही है, तो इसको आपको रहने देना है साल भर। तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसको लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको फिर से नया प्लांट तैयार करना है। लेकिन देखिए इस बीच इसमें एक सफ़ेद मक्खी नामक रोग लग जाता है। ये देखिए ये इतना बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और गुलदाउदी एडेनियम सभी में लगता है लगभग, और हरी पत्ती की ये मेनली पोपल और ये फ्लावर को खाता है। ये देखिए इसमें कली आ रही गुलदाउदी में, बेमौसम वाली कली है, लेकिन फिर भी ये इस पर अटैक कर रहा है। इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आप बाज़ार से ले सकते हैं। इसका कंपोजिशन है एसिटाप्रिमिड 20%। ये देखिए इस तरह से आती है, ये पाउडर होता है, और ये लगभग 35 से 40 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये कंट्रोल नाम से आती है, या आपके एरिया में दूसरे नाम से भी मिल सकती है, पर एसिटाप्रिमिड 20% ये आपको देखना होगा, ये मेन कंपोजिशन है इसका। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। ये देखिए आप 1 लीटर लगभग पानी ले लीजिए, और ये देखिए मैंने अलग से निकाल लिया था क्योंकि पाउडर था ये, तो ये फंगस लग जाती है इसमें, पाउडर सील सकता था, इसलिए मैंने एक बॉटल में भर दिया इसको। 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच डालना है आपको। एक से 1.5 चम्मच तक आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोग लग गया पेड़ में तो आप थोड़ा कंसनट्रेटेड भी बना सकते हैं इसको, लेकिन 1.5 चम्मच से ऊपर मत डालिएगा 1 लीटर पानी में। इसको डालने के बाद इसको जहाँ जहाँ पर भी ये लगा हुआ है, और इसको आप पत्तियों के नीचे जहाँ जहाँ पर भी ये सफ़ेद रंग का कीड़ा लगा हुआ है उसको आप कस के धो दीजिए आप, नहीं तो ये पेड़ को पूरा ख़त्म कर देता है ये। इस तरह से आप एडेनियम सभी में डाल सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपके लग रहे हैं, और इसको डालने के बाद अपने हैंड वॉश जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये केमिकल है, और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे मार्केट में इंडोसल्फान आती है जो आप लिक्विड फॉर्म में आती है, उससे अच्छा ये इसका रिजल्ट है, ये इसी के लिए ही बना है। तो आप दूसरी बार, जैसे आप पहली बार में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और 3 बार अगर आप डाल देते हैं 5-5 दिन के अंतर पर, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएँ।